नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जैसी फोर कंप्रेसर या कोई भी कंप्रेसर है उसका जो जैकेट होता है वाटर जैकेट, अगर वो जाम हो जाए, पूरी तरह जाम हो जाए, तो उसको कैसे क्लीन करेंगे, उसे कैसे साफ़ करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। अगर केसी सीरीज का कंप्रेसर है और उसका जैकेट जो है ये पूरी तरह जाम हो चुका है और अंदर जो स्केल है वो जम कर पत्थर हो गया है और पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो हम उसे कैसे क्लीन करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। अगर उसमें हम एसिड को डालते हैं तो एसिड जाने के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह अंदर पत्थर हो गया होगा तो एसिड भी काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका दो उपाय है, पहला तो एसिड से साफ़ करना और दूसरा इसका जैकेट काट कर अलग करके इसको सफाई करना। तो जैकेट काटने में बहुत मुश्किल आता है, अच्छी तरह से वेल्डिंग नहीं हो पाता, ठीक है, उसके लिए बहुत योग्यता चाहिए उसको कटिंग करके लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, इसलिए मैं एक तरीका निकाला हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से, अगर अंदर पत्थर भी हो गया होगा तो इसमें रास्ता बना सकते हैं ताकि इसमें एसिड जा सके और उस पत्थर को गला सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंप्रेसर का ये जैकेट जो है पूरी तरह जाम हो चुका है और अंदर पत्थर बन चुका है, ठीक है, अब बिल्कुल भी इसमें जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि इसमें तेजाब डालने पर भी अंदर जा नहीं पाता है क्योंकि ये पूरी तरह जाम हो चुका है और तेजाब यहाँ अंदर जा नहीं पाता। तेजाब अंदर जाएगा तभी ये घुलेगा, लेकिन इसमें तेजाब जाता ही नहीं, ये पूरी तरह अंदर जो स्केल है वो जम कर पत्थर हो गया है, ठीक है। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, देख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहाँ होल किया हूँ ड्रिल के माध्यम से, मैं यहाँ पर एक लकड़ का जो है ना पसरी लगा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें तेजाब डालना है तो मैं यहाँ होल कर दिया हूँ, यहाँ मैंने होल किया है, ठीक है, ये पूरी तरह जाम हो चुका था तो यहाँ से कोई इसमें कोई चीज़ नहीं अंदर नहीं जाता था क्योंकि यहाँ पर बैंड है, एल्बो है, तो मैं यहाँ होल किया था, यहाँ होल ये मैंने किया है और यहाँ होल किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने ड्रिल के माध्यम से एक तार देकर यहाँ से वहाँ तक ड्रिल मैंने किया है, लास्ट तक एक लंबा तार लगाकर ड्रिल के माध्यम से इसको होल कर दिया है, इसमें का जितना भी पत्थर बना था उसमें होल हो गया है, ठीक है, और यहाँ से इस साइड में यहाँ तक मैंने होल किया है, यहाँ से लगाकर तार जो है ड्रिल में लगाकर और यहाँ तक होल किया है और यहाँ से यहाँ तक भी मैंने होल किया है, ठीक है, और यहाँ से फिर वहाँ तक मैंने होल किया है तार लगाकर। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मैंने सिस्टम बनाया है। देख सकते हैं दोस्तों कि ये है ड्रिल और यहाँ देख सकते हैं लंबा मैंने तार लगाया है, ये बिजली के तार जो तार होता है, बिजली तार के अंदर जो वायर होता है जो बहुत टेंपर होता है और लचीला भी होता है, ये मुड़ता नहीं है, ये तार मैंने लगाया है, ठीक है, और आगे मैंने नुकीला बना दिया है, तो इसके माध्यम से मैंने यहाँ इस तरह यहाँ से इस तरह करके मैंने पूरी अंदर तक मैंने इसको ड्रिल किया है और उसी तरह यहाँ से लगा कर यहाँ तक पूरा मैंने लास्ट तक होल कर दिया है और यहाँ से इस तरह लगा कर ये तार घूम जाता है, मुड़ जाता है और यहाँ तक मैंने होल किया है, ठीक है, और यहाँ से लगाकर ये वाला लगाकर पूरा लास्ट तक मैंने होल किया है और उसके बाद पानी देकर मैंने मारा है तो ये सफाई हो गया है बिल्कुल और इसमें आने जाने का रास्ता बन गया है ताकि अंदर तेजाब जा सके, ठीक है दोस्तों इस हेड को जैकेट को काटूंगा तो ये बहुत समय लगेगा और ये बढ़िया से फिट नहीं होता, एक बार काटने के बाद ये ख़राब हो जाता है, बड़ा मुश्किल से ये बनाया जाता है तो और इसका शेप भी ख़राब हो जाएगा और बढ़िया दिखने में नहीं लगेगा, इसलिए मैंने जगह जगह इसमें होल कर दिया है और ड्रिल में तार लगाकर यहाँ से वहाँ तक मैंने मार दिया है, यहाँ से यहाँ तक मार देते हैं क्योंकि वो तार घूम जाता है और मुड़कर भी ये घूमते रहता है
और यहाँ से भी वहाँ तक मैंने मार दिया है। तो इसमें रास्ता बन गया है ताकि जो तेजाब है ये आसानी से अंदर घूम सके और उसको अंदर जो स्केल जमा हुआ है पत्थर बन गया उसको गला सके। ठीक है दोस्तों, तो ये काटना आसान नहीं है इसलिए मैं इस तरह किया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह बड़ी आसानी से इसको मैंने उसी तरह साफ कर दिया है, पूरी तरह ये क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ होल किया है, यहाँ होल किया है, इसको मैंने इसी तरह किया है। फिर भी मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना लूँ आपके लिए, आपको दिखा दूँ कि इस तरह भी साफ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना जैकेट को काटे भी ये साफ हो सकता है, अगर पत्थर बन जाए अगर अंदर का जो स्केल है पत्थर बन जाए। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ होल करके मैंने यहाँ तक ड्रिल किया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रिल किया है। ठीक है, तार लगा कर। ठीक है, तो ये पूरी तरह क्लीन हो चुका है दोस्तों, ये पूरी तरह क्लीन हो चुका है और पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है इसमें, ये पूरी तरह साफ़ हो चुका है। दूसरा ये साफ़ करना है और आपको दिखाना है कि इसमें तेजाब डालकर ये कैसे साफ़ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ऊपर के साइड से नीचे साइड मैंने खोल कर यहाँ ढक्कन लगा दिया है प्लास्टिक देकर, ताकि अंदर मैंने तेजाब डालूँगा तो ये नीचे गिरे नहीं। और ऊपर के साइड से देख लेते हैं कि ऊपर का जो निपल है यहाँ से एक पाइप लगाकर और एक 5 लीटर का डब्बा होता है तेल वाला, ऊपर से मैंने खुला काट दिया है, ऊपर से काट कर यहाँ एक कूपी साइड में कूपी की तरह मैंने बना लिया है। देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लगाया है। अब मैं इसमें तेजाब डालूँगा और तेजाब क्योंकि एक बार में नहीं जाएगा, जब आप डालेंगे तेजाब ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने लंबा बड़ा सा कूपी बनाया है ताकि इसमें तेजाब डालूँगा, आस्ते आस्ते अंदर जाता जाएगा और अंदर का जो पत्थर है वो गलता जाएगा और ये तेजाब अंदर सोखते जाएगा। तो ये 24 घंटा इसमें लग जाएगा तेजाब अंदर पूरी तरह जाने में, तो उसे मैं भर दूंगा और आस्ते आस्ते ये 24 घंटे में अंदर तक पूरा ये घूम जाएगा। ठीक है दोस्तों, घूमने के बाद इसको पानी मारकर इसको सफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें तेजाब डालकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे अंदर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम तेजाब डालेंगे, जो एसिड है ये डालना शुरू करते हैं। ये एसिड जो होता है जो टॉयलेट साफ़ करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल एसिड है और ये कंप्रेसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जो टॉयलेट में जो क्लीन करते हैं, टॉयलेट क्लीन जो क्लीनर होता है, वो एसिड हम डाल रहे हैं। प्रतिक्रिया कर रहा है और प्रतिक्रिया करने के कारण इसमें गैस बन रहा है और ये गैस इस रास्ते से ऊपर निकल रहा है। ठीक है, और जो भी इसके अंदर जा रहा है ये इसके साथ में घुलता जा रहा है, इसमें जो भी पत्थर बना हुआ है जिसमें जो भी इसमें स्केल है उससे प्रतिक्रिया करके और इसको घुला रहा है धीरे धीरे, और इसका जो गैस है ये इसके माध्यम से देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गैस निकल जा रहा है। तो ये धीरे धीरे करके अंदर जो है घुलता जाएगा और इसमें जो एसिड डाला है वो एसिड कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो और इसमें डाल देंगे। ठीक है, 1-2 घंटा लग जाएगा इसको ख़त्म होने में, तो इसमें और डाल देंगे और जब ये पूरी तरह चारों तरफ घूम जाएगा तो 24 घंटे के बाद, यानी आज इसको डाल रहे हैं तो कल इसको फिर से पानी देकर यहाँ से पानी देंगे और यहाँ से खोल कर सफाई कर लेंगे और ये पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ कि कैसा जा रहा है अंदर, तो देख सकते हैं दोस्तों ये कैसा उबल रहा है और अंदर गैस बन रहा है, वो गैस बाहर निकल रहा है और ये आस्ते आस्ते घुल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये उबल रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे करके अंदर जाता जाएगा और इससे इसका जो स्केल है स्केल को है ये गलाता जाएगा और पानी बनाता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ समय लगता है, इतना जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, 24 घंटे टाइम लगेगा इसमें। और इसमें ख़त्म होगा तो और इसमें डाल देंगे।
ताकि ये पूरी तरह चारों तरफ घुल जाए और इनमें जो स्केल बैठा है, पत्थर बना हुआ है, सीमेंट जैसा पत्थर बना है, वो पूरी तरह घुल कर पानी बन जाए। और पानी मारने से जब इसमें देकर फ्लैश करेंगे पानी से, तो ये बाहर कचरे के रूप में बाहर आ जाएगा। मैं इस तरह इसको साफ कर चुका हूँ दूसरे जैकेट को। मैं सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना लूँ। ठीक है दोस्तों, तो इंतज़ार कर लेते हैं और जब इसको कल साफ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये कचरा इसके अंदर से निकलता है। ठीक है, इसमें एसिड कम होगा तो और डाल लेंगे ताकि ये पूरी तरह भर जाए, जैकेट जो है पूरी तरह भर जाए। ठीक है, अब दोस्तों कल मिलते हैं हम, कल इसको साफ़ करेंगे तो इसका वीडियो मैं इसमें साथ में जोड़कर बनाऊंगा। तो मैं कल मिलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसका 24 घंटा हो गया है और इसमें लगभग 4.5 लीटर के आसपास इसमें जो एसिड होता है वो एसिड मैंने डाला था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके 4.5 लीटर इसमें डाल दिया था और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। पूरी रात भर था, दिन भर था। तो ये दूसरा दिन है दोस्तों, और यहाँ से खोलकर जो इसमें एसिड था वो नीचे मैंने निकाल दिया है। देख सकते हैं कि वो पूरी तरह पानी जैसा हो गया है। अब इसमें पाइप लगाकर और प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से पानी देंगे और चेक करेंगे कि सभी तरफ से पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें पाइप हम लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल ही ये जाम हो गया था और पत्थर बन गया था। तो मैंने यहाँ से ड्रिल करके तार लगाकर और चारों तरफ मैंने ड्रिल किया था, उसके बाद इसमें तेजाब डाला था। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही ब्लॉकेज खत्म हो गया है, देख सकते हैं, और पानी घूमकर जा रहा है चारों तरफ से और बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो इसका जो होल है ये वेल्ड कर लेते हैं, तो इसे मैं वेल्ड कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।